जीजा जी नमस्ते। साला कितना बदल गया है ये। क्यों रे, पूरे मोहल्ले में हमारी बाई मिली थी तुमको हाँ? साले अगर मेरा दिमाग घूमा ना यही पटक के पेल लेंगे अभी समझे नहीं। एकदम दिख मत जाना मोहल्ले में, चले जाओ एकदम, निकल जाओ, निकलो एकदम। और चंदन और बताओ, अचानक से कैसे आना हुआ? मतलब तुम्हारी माता जी जिनको माता छेड़ जाती थी, या तुम्हारे पिताजी जो दारू पी के पड़ोस वाले की बीवी को छेड़कर पीटते थे, सब सही चल रहा है ना? वो सब तो ठीक है जीजा जी, पर तुम्हारी शक्ल जो है ना रत्ती भर भी पसंद नहीं है हमको। पर वो जो पिछला बिजनेस था हमारा WWE अगरबत्ती वाला, चल गया, डूब गया जीजा जी। क्यों, वो तो एकदम सही चल रहा था। अगरबत्ती बनाई जाती है दीदी खुशबू के लिए, पर हम आयुर्वेद के चक्कर में उसको गोबर का बना दिए। मच्छर तो भाग जाते थे, पर एक दिन एक आदमी 2 घंटे अपने रूम में जलाए रख दिया उसको, ऑन द स्पॉट लकवा मार दिया, मर गया वहीं पे, बिजनेस डूब गया जीजा जी। उसी चक्कर में हम जीजा जी से 5 लाख रुपया लेने आए हैं। साले फिर आ गए तुम, तुमको मना किया था ना कि मेरी बहन के अगल बगल नहीं घूमोगे तुम। साले साले तुम बहन से दूर होने का कितना लोगे बताओ? UPI करे, PayTM करे, साला गूगल पे करे, किसकी माँ का चेक काट के दे तुमको। माफ कर भैया, जीजी डाल रहे, जीजी डाल। बारिश में आगा करियो जी, भालो नीचे। जीजा जी, जीजा जी, 5 लाख कैसे दोगे? PayTM करोगे, UPI करोगे, किसकी माँ का चेक काट कर दोगे ये बताओ। चंदन वो क्या है ना कि 3 महीने से हमको सैलरी नहीं मिली है, और तुम्हारी बहन को खाना बनाना भी नहीं आता है, तो मैगी खरीद के उबाल के बस खा जा रहे हैं। तुम्हारी बहन से वादा भी किए थे पिछले हफ्ते कि हम इसको अंगूठी ला के देंगे, तो पैसा ही नहीं है। अब तक चाबी का छल्ला पहना है वो अंगूठी के नाम पे। क्या बोला? अरे मजाक कर रहे हैं, मजाक। तो पैसा नहीं मिलेगा क्या? चंदन फिलहाल की कंडीशन को देख के तो नहीं दे पाए। अपनी सराफत दिखाने थोड़ी ना आए थे इनको बूसा टूसट पहन के, नौटंकी बहुत देख ली है हम। एक बार फिर से बोलो तो कि पैसा नहीं दोगे? नहीं हो पाएगा ये, देखो हम पहले बता दे रहे हैं, इनसे बोलो कि हमको पैसा दे दे, नहीं तो इतना पेलेंगे ना तुम्हारे सामने कि दिमाग इनका होश में हो जाएगा अभी। अबे तुम पागल हो क्या बे चूतिए, जब बोल रहे पैसा नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। नहीं देंगे, फिर से बोलने की पैसा नहीं देंगे, हमको पैसा चाहिए। चंदन वो नहीं देंगे, तू रो मत, तू रोते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उल्टी आती है तुझे देख के। अभी के भी 5 लाख रुपया चाहिए अभी, दो नहीं तो दीदी हम अपना नस काट लेंगे, बता दे रहे हैं 5 लाख रुपया हमको दिलवा दो। अरे चंदन सुनो, हमको कुछ नहीं सुनना, हम बता रहे हैं हम नस काट लेंगे अपना। कह रहे ना कि हमको कुछ नहीं सुनना, अपना नस काट लेंगे। अरे कैसे काटेगा, चाकू उल्टा पकड़ा है रे तूने, और अच्छे से एक्टिंग करना सीख ले, एक्टिंग में नहीं हो रही तुझसे, तेरा भाई एक नंबर का पागल है। दूसरी बात कहां से दे दूंगा पैसे, जेब में 1 करोड़ पड़े हैं क्या मेरे? तुम चुप रहो, और तू मेरे भाई इनकी बात सुनेगा तू? तेरी बहन अभी जिंदा बैठी है, सारी ज्वेलरी ले जा मेरी और गिरवी रखवा दे। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो दीदी, और एक ये इंसान है देखो फोन चला रहे हैं सीरियस माहौल में भी। सुनो भाई, तुम भाई बहन के ना ड्रामे का मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए बिनोमो पे ट्रेडिंग करके एडिशनल इनकम बना रहा हूँ। बिनोमो ये क्या है? साले साहब अगर आपको पता होता ना तो रोज भिकमंगों की तरह हमारे पास पैसा मांगने नहीं आते। ये एक एडिशनल इनकम सोर्स है बिनोमो, जो कि एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां हम बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे गूगल या अमेज़न हो गया, और इनकम बना सकते हैं। यहां हमें टाइम के अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यू फोरकास्ट करनी होती है और प्रिडिक्ट करना होता है कि वैल्यू अप जाएगी या डाउन, यानी कि बढ़ेगी या घटेगी। ड्रामा खत्म हो गया तो इधर हमें ट्रेड करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें असेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा प्रिडिक्शन कहता है कि वैल्यू अप जाएगी, तो यहाँ पे मैं 1500 रुपये का अपग्रेड लगा के छोड़ दूंगा। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, ये देखो मेरा फॉरकास्ट सही निकला और पैसे जीत लिए मैंने।
और इसमें पैसे विड्रॉल करने का क्या सीन है जीजा जी? अबे इसमें पैसे विड्रॉल बहुत इजी है, तुम 24 घंटे के अंदर अंदर पैसे डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में। और भाई इसमें मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए का है, और अभी अगर मेरे दिए हुए कूपन कोड से करोगे तो तुम्हें 700 रुपए का इनिशियल बेनिफिट मिलेगा। और अभी मेरे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके साइन अप करोगे तो तुम्हें तुम्हारे डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज मिलेंगे, जिससे तुम ट्रेडिंग के नए तरीके सीख सकते हो और अपनी ट्रेडिंग की टेक्निक बेटर कर सकते हो। तो अभी इसको डाउनलोड कर लो और आइंदा से पैसा मांगने हमारे पास मत आना। जीजा जी ये तो बहुत तगड़ा ऐप है, इसको अभी डाउनलोड करते हैं, लेकिन पैसा मांगने आएंगे फिर से जीजा जी? कुत्ते की दुम सीधी थोड़ी होगी। जाओ इनको चाय पिलाओ और भेजो। ये क्या करवा के आया तू? अरे यार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हो गया तेरा? अरे वो जा रहा था रास्ते से, वो स्कूटी से उड़ा दिया बख्तावर चौक पे। अरे कौन सी स्कूटी? स्कूटी का कलर क्या था? नहीं याद है। अरे नंबर तो देखा होगा तूने उसका? नहीं याद है। अरे किसने उड़ाया? उसका हुलिया तो देखा होगा तूने? हुलिया याद है, लंबे से बाल थे और मुंह बिल्कुल गोरा लग रहा था, फेयर एंड लवली की ऐड करके आ रही, ब्राइटनेस जैसे फोन का फूल होता है, नाक पे एक मस्त सी नोच पिन, कान में झुमका पीकॉक वाला जो एकदम पेचीला सा होता है, होंठ बिल्कुल मलिका सरावत जैसे, और लिपस्टिक बिल्कुल पिंक कलर की, कार्डेशियन पिंक, बक मजेंटा पिंक, गर्दन एकदम हिरनी जैसे लंबी, और उसके बाद दिशा पठानी जैसी बॉडी, येलो कलर की कुर्ती पहन रखी थी जहाँ पे यहाँ कढ़ाई हो रखी थी, और चुन्नी जिसके चुन्नी के नीचे वो पॉम पॉम क्या होता है वो, लटकन, हाँ लटकन, और हाँ होठ से 0.3 सेंटीमीटर नीचे एक मस्त सा तिल था, मतलब परफेक्ट लुक था उसका। कुछ और रह गया तो बता दो ना। अब झटके में ना हम इतना ही देख पाए उसको। एक काम करो, सर बहुत घूम रहा है, पेन किलर दे दो और जाओ वाले दूध ले आओ हल्दी मिला के, ठीक है? पेन किलर और हल्दी वाला दूध? पेन किलर। झटके में जो देखे थे वही तो बताए थे, इस बात पे इतना वॉयलेंस करने की क्या जरूरत है? ज्यादा बोल दिए क्या? अरे तू टोनी कक्कर है क्या? एक ही लाइन को बार बार गाया जा रही है, जब कह दिया भाई बाहर खाने नहीं जाना है तो नहीं जाना है। आज बाहर डिनर पे जाएंगे तो जाएंगे, क्या हो गया यार तेको, कितना कंजूस है तू? पिछली बार बोला था गोवा लेके जाएगा, कहां लेके गया था? साकेत वाले गोवा बार, क्या चल रहा था वहां पे? परदेसी जाना नहीं। अबे तू जाना मुझे छोड़ के। और दूसरी बात ना, मेरे को लगा था तेरे को बियर पीने है इसलिए बाहर लेके गया, शांति से खाना बना ले, मस्त खाएंगे मस्त सोएंगे। सुन ये जो तेरी कैंची जैसी जबान चल रही है ना, इसको काट दूंगी, और मैं तेरे बाप की नौकर हूँ जो तेरे लिए रोज रोज खाना बनाऊ। शांति से अंदर जा, अच्छा सा परफ्यूम लगा, रेडी होके आऊंगी तो यहाँ बैठा मिलना चाहिए, समझा? वरना कल तेरे खाने में जहर मिला दूंगी, समझे? अभी एक बॉस प्रमोशन नहीं देगा। जीजा जी नमस्ते। एक कम था जो दूसरा आ गया। और पहली बात, हमको जीजा जी नमस्ते इस गंदी आवाज में मत बोला करो, हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। साले पौआ पी के पड़े रहते हो गली मोहल्ले में, और जब मन करता है मुंह उठा के पैसा मांगने चले आते हो। जीजा जी चार गली तो छोड़ के आप शादी किए हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? मुंह कहाँ बना दीदी, गाली वाली दी है क्या माँ बाप की? तो नहीं यार, तुम्हारी दीदी तो बस बा पिताजी का फोन आया था हमको आज। ए जीते जी बहुत बीमार है, चलते चलते गिर जा रहे हैं, आपको तो लग रहा है आखिरी सांस ले रहे हैं हमारे पिताजी। पर हमारे ख्याल से तो जीजा जी आपके पापा हथकड़ी चोरी में भी जेल में सजा काट रहे हैं जीजा जी। हम अपने बाप से खुद बात नहीं करते हैं, ठीक है? और दूसरी बात, हमारे बाप गूंगे बह रहे हैं, हमको साइन लैंग्वेज नहीं समझ में आती। हम तुम्हारे बाप की बात कर रहे हैं। क्या हुआ पापा को? क्या पता है तुम्हारे बाप को क्या हुआ है, दिल के दर्द से लेकर पैर में दर्द। लेकिन हम तो सुबह जब निकल रहे थे तो पापा झूले पे बैठ के बीड़ी पी रहे थे। चंदन तुम एक नंबर के चूतिए हो, मेरा मतलब है चंदन कि तुम चूतिए थे, तुम जिम्मेदार बन रहे हो। तुम खुद बताओ, एक बाप अपना दर्द अपने बेटे को कभी बता पाता है? अब क्या बताए, तुम्हारे बाप कितनी तकलीफ में चंदन। क्या हुआ है पापा को?
पैर में उनके साइट्रिका की प्रॉब्लम है भाई, चलने में दिक्कत होती है। तुमको पता है तुम्हारे बाप की पेट में सिर्फ एक किडनी है, एक बचपन में दान देनी पड़ गई थी ताकि तुमको अस्पताल से लेके आए। और तो उनकी आंख में कफ की बीमारी हो गई है। ये जीजा जी कफ तो गले में होता है। नहीं नहीं तुम बोल लो, तुम चालाक बन लो, हम चूतिया है ना भाई, हम क्यों बता रहे हैं, हम तो पागल बना रहे हैं तुमको। नहीं नहीं हम जा रहे हैं। जीजा जीजा जी और बताइए आगे बताइए। कह रहे थे हम बस एक बार अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। हम तो दामाद हैं, हम आंचल को उनके पास लेके जाए तो वो फील नहीं आएगी। हम बस इतना चाहते हैं तुम अपने बेटे होने का फर्ज निभाओ चंदन। आगे तुम्हारी मर्जी है। जी पैसा तो नहीं है। अरे यार तुम ही लो, मेरा फोन गिरवी रख दो यार, पर तुम ही काम कर दो। अरे तुम रख दो यार गिरवी, अबे तुम इसके लिए भी पैसा मांग रहे हो यार, कैसे निर्लज्ज इंसान हो गए चंदन तुम। चलो बेबी मैं रेडी हूँ। अरे चंदन तू यहाँ क्या कर रहा है, जब देखो मुंह उठा के यहाँ आ जाता है। दीदी पापा की तबीयत खराब थी, उनकी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा, अंधेरापन छा जाए उससे पहले तुमको देखना चाहते हैं पापा, ऐसा जीजा जी बोल रहे थे। हाँ बेबी मतलब तुम्हारे पापा आजकल बहुत अकेला फील करते हैं तुम्हारे बिना, ऐसा चंदन बोल रहा था। आखिरी घड़ी से पहले अपने पिताजी का ख्याल रख लो। तो मैं चली जाऊँ पापा से मिलने आज? मैं बाप के पास जाऊँ, उनका ख्याल रखो, कम से कम हफ्ते भर तक घर मत आना। और आज हमारे डिनर का क्या होगा? डिनर तो कल भी हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा, बाप इम्पोर्टेंट है। चंदन खड़ा क्या है, दीदी को लेके जा। चलो दीदी। चंदन मुंह उधर कर। अरे भैया हमारी दारू रेडी, आप खाना लेकर कहाँ रह गए? अरे वो मोड़ दिख रहा होगा ना, मोड़ से कट लेके सामने वाला घर है। हाँ ठीक है आइए जल्दी, मैच खत्म होने को है। दोस्त आ गए, अबे आजा पार्टी करते हैं। अरे दामाद जी नमस्ते, लगता है हमारा सारा इंतजाम पहले ही किया। हाँ बेटा जरा दवा दारू किया जाए। अरे ससुर अबे साले यहाँ बैठो, यहाँ पूरा ठेके वाला माहौल किए हैं, ये ले लो यार। बाप कौन है बे? केले केले पिए जा रहा है। आचल 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 आची समझाया, घीरा तो गया बेड पे मत रखा करो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अबे सुन अभी मूड सही नहीं है, बाद में आना चल। ऐसी कौन सी तुम किसी मीटिंग में जा रहे हो जो तुम्हारा मूड सही नहीं है? अबे तू क्या नशे में रहती है, माल फूक के रहती है? एक बात बता, तेरा खानदान है कोई शूरवीर का जो हर समय लड़ने के लिए तैयार हो जाती है? जाके घर का कोई काम धंधा कर ले। अच्छा तो मैं झगड़ा करती हूँ और घर के काम तेरी माँ की करती है, और वैसे तो तूने मेरे घर के लिए नौकरानी लगा के रखी हुई है ना? गलती मेरी थी, 16 सोमवार के व्रत के दिन मोमोज खा लिए थे, इसलिए तुझ जैसा पति नसीब हुआ, वरना मेरे पीछे भी लड़कों की लाइन लगी हुई थी। हाँ 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 भगवान ने तो मेरी बड़ी लॉटरी लगा दी तेरे को, मेरा हाथ देखे। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की भी जो थी ना, नस काट के खून से लेटर लिख के देती थी मेरे को, तब भी रिप्लाई नहीं करता था। तो मेरे बाप के जाके पैर छू जो तेरे जैसी लड़की से मेरी शादी करा दी। तेरे बाप ने तो बहुत आसान कर दिया ना मुझसे शादी करा के, 20,000 वाले सैलरी की लड़के के लिए 20,00,000 का दहेज मांगा मुंह फाड़ के। मुझे तो पहले ही पता था भिखारियों का खानदान है। हाँ तेरा खानदान बड़ा मुकेश अंबानी का है, जो पैसे फेंके जा रहे बांटे जा रहे, इससे पहले बात बहुत आगे बढ़ जाए और यहाँ खून की नदियां बह जाए ना, रफा दफा कर दे इस बात को। पता नहीं कहाँ से तेरे चक्कर में पड़ गया, ऑफिस वाली रिया ही अच्छी थी। मुझे भी कुछ शौक नहीं था, मेरी भी लाइफ सेट थी राहुल के साथ। अच्छा अच्छा अब समझी, वो रिया जो ऑफिस के काम के बहाने से तुझे कॉल करती रही, और ये वही राहुल है ना जो अपनी भाभी का भाई बताती और आके मेरा पैर छूता है। मुझे तो तुझ पे पहले से ही शक था। हाँ मीना कुमारी तू तो बड़ी दूध की धुली निकली ना कि पति की पूजा करते आ रही है। तू शांति से तौलिया बाहर टांग क्या, और मैं दिखती हूँ आज तुझे खाना कौन देगा? हाँ हाँ सारा खाना तो गुल्लू के लिए बनाएगी ना, हमारे लिए कौन सा इटालियन यूरोपियन बनाए। नमस्ते जीजा जी, ये तेरा आशिक मेरे को क्यों मैसेज कर रहा है, तेरा क्या प्लान है? अली प्रॉपर्टी हड़पेगी मेरी। बेबी पता है मैंने आज क्या सोचा, इस बार ना करवा चौथ का व्रत हम दोनों साथ मिलके रखेंगे। अच्छा मैं जब दारू पीने जाता हूँ तेरे को साथ लेकर जाता हूँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, हमारी एनिवर्सरी है ना, मैंने उसके लिए कुछ प्लान आउट किया है। एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या प्रॉब्लम
हो गई है यार। वो मेरे कलीग्स ने मुझसे बिना पूछे एक ट्रिप प्लान कर ली और मुझे बिना बताए मेरी टिकट भी बुक कर दी। मैंने कई बार बोला कि मेरी एनिवर्सरी है, मैं नहीं जा सकता, पर कहने लगे भाई तू माँ कसम चलेगा और हमने तेरी टिकट भी करा दी है। तो अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। कहाँ जाना पड़ेगा? बैंकॉक। बैंकॉक आचल। अरे आई एम सॉरी आचल। अरे तो तुम कहोगी नहीं जाऊंगा। बेबी सॉरी बेबी आचल। देखो यार अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, प्लान ग्रेट है। सही में? हाँ यार, हरिद्वार जाएंगे तो बोरिंग नहीं हो जाएगा, इससे बेटर है कि बैंकॉक चलते हैं। अरे नहीं यार तू समझी नहीं, ऑफिस वालों ने ना बस एक ही टिकट कराई है। हाँ, मतलब तू नहीं जाएगा? तेरा स्क्रू ढीला है क्या? अबे ऑफिस वाले मुझे लेकर जा रहे हैं ना कि तुझे। मतलब तू अकेला जाएगा और मैं यहाँ पे मरूंगी? आगे ना औकात पे, नहीं देखी जाती ना मेरी खुशी। खुशी तेरी ही खुशी के लिए मैंने हरिद्वार की टिकट बुक करी थी ताकि तेरे लिए वहाँ पे जाके मन्नत मांगूं। हाँ तो जाके मन्नत मांगना, मैं कौन सा तेरे को रोक रहा हूँ। पर मैं तो बैंकॉक ही जाऊंगा। बैंकॉक जाए? मैं बैंकॉक जाऊंगा और दुनिया की कोई ताकत भी मुझे हरिद्वार नहीं ले जा सकती। बता मैं तो ले जाके दिखाए। बाहर के नंबर से कॉल। हेलो जीजा जी, नमस्ते। चंदन तू कहाँ है बे? आपका टिकट दीदी हमको दे दी थी बैंकॉक वाले, 5,000 रुपया भेज देते, थाई मसाज लेना था हमको। भेज रहे हैं।